हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बथुए का रायता बनाने जा रहे हैं। आइए देखते हैं बथुए का रायता कैसे बनाया जाता है। बथुए का रायता बनाने के लिए मैंने आधा किलो बथुआ ले लिया है, जो मैंने साफ करके रख दिया है। आधा किलो मैंने दही लिया हुआ है, थोड़ा सा राई के दाने लिए हुए हैं, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, एक चुटकी हींग, दो हरी मिर्च, एक चम्मच नमक। अब हम बथुआ को उबालने रख देंगे। उबाल के हम इसको पीस लेंगे। ये बथुआ हमारा उबल के तैयार हो गया है, अब इसको हम पीस लेंगे। अब बथुए को हम सिलबट्टे में पीसेंगे, क्योंकि सिलबट्टे में पिसा हुआ बहुत अच्छा होता है। ये हमने थोड़ा सा दो मिर्ची डाल दी, थोड़ा सा इसमें हम राई डाल देंगे और इसमें हम बथुआ डालेंगे। ये बथुआ हमने पीस लिया है। अब कढ़ाई में थोड़ा सा हमने सरसों का तेल रखा हुआ है, उसमें हम जीरा डालेंगे। एक चुटकी हम हींग डालेंगे। जीरा हल्का ब्राउन होने के बाद हम बथुए को डालेंगे। बथुए को हम 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसमें हम एक चम्मच नमक डालेंगे, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, तो 5 मिनट फ्राई होने के बाद इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। बथुआ खाने में बहुत पौष्टिक होता है, इसमें आयरन होता है, जो आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये बथुआ हमने फ्राई करके निकाल लिया है, ये अब ठंडा हो गया है। इसको गरम गरम नहीं मिलाते, नहीं तो इसमें दही फट जाता है। अब दही को हम एक बड़े बर्तन में खाली करेंगे, जिसमें हम रायता बनाएंगे। इसमें भुना हुआ जीरा, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक। नमक हमने फ्राई करने में भी डाल रखा है। अब दही को हम फेंट लेंगे। और इसमें हम बथुए को मिक्स कर देंगे। ये हमारा बथुए का रायता तैयार हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल देंगे। बथुए का रायता बनाना बड़ा आसान है, आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।